आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। ह्युंडई और कश्मीर विवाद हुआ। अजीब वो गरीब सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं सबके सब। बहुत सारी कंपनीज ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के लिए ट्वीट कर दिया कि हम खड़े होते हैं। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान ने कत्ले आम मचाया हुआ है, आतंक की फैक्ट्री है, पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कंपनीज हैं ये इस तरीके के ट्वीट क्यों कर रही हैं जब ये रीजन पूरी तरीके से डिस्प्यूटेड है। भारत कल जाएगा, दो दिन में, सिर्फ दो दिन लगेंगे, पूरा पीओके, पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा। करता नहीं है वो, ठीक है। भारत ने साउथ कोरियन इन्वॉय को ह्युंडई कश्मीर ट्वीट पे समन किया। क्या मामला है चलिए हम जानते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे पढ़ें, हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब सब लाइव होने वाला है। मार्च से आपको डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस, मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया, 861 वांट्स है, तो हम कमिटेड है कि इस बार एग्जाम हम आपका निकलवाएं। तो सवाल को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो हम आपको बताएंगे। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो वेबसाइट विजिट करिए। तो भारत ने साउथ कोरियन इन्वॉय को समन किया कि आओ बताओ। हालांकि एस जयशंकर ने बहुत ज्यादा गुस्सा भी प्रकट किया था। पहले आप मामला समझ लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए पाकिस्तान ने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे ये मनाने की बात की थी, ठीक है, कि भाई जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कश्मीर की आजादी के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद ने यह बोला कि भाई हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेट और मॉरल सपोर्ट देते हैं कश्मीरी लोगों के लिए, यह हिसाब किताब रहा है। तो एक तरीके से 5 फेब को पाकिस्तान कश्मीरी सॉलिडेरिटी डे मनाता है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। अब ये देखिए ह्युंडई पाकिस्तान, इन्होंने बोला कि भाई जो ब्यूटीफुल कश्मीर है और हमेशा रहेगा, हम उसकी आजादी की कामना करते हैं और ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी लगा दी। देखिए पाकिस्तान का झंडा है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, मर जाओ जाके डूब के, पाकिस्तान झंडा है। कौन सा ऐसा आजाद, चलो तुमने आजाद की बात भी कर दी, लेकिन एक बात बताओ, ये कौन सा ऐसा आजाद कश्मीर है जिसने तुम एक देश का झंडा लगा रहे हो? तो पहली तो तुम यही काउंटर हो गए, इंटेलेक्ट तुम्हारा दिख गया। दूसरी चीज, ह्युंडई पाकिस्तान ऑफिशियल, ये देखिए, लेट अस रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कश्मीर। ठीक है, ये देखिए कश्मीर, ये पूरी जंजीर है ना। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूं, और इसमें यहां पे KFC, वी स्टैंड टुगेदर, KFC अमेरिकन ब्रांड, और इनका ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल है, वी स्टैंड टुगेदर दिस कश्मीर सॉलिडेरिटी डे टू रियलाइज देयर राइट टू फ्रीडम। ठीक है, पिज्जा हट पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, वी स्टैंड विथ यू कश्मीर। ठीक है, किया मोटर्स, वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, लोकेशन पूरी दी गई है। ठीक है, ये सब देखिए। अब आप बोलेंगे सर एकदम से ऐसा कैसे हो गया, पिज्जा हट, KFC, ह्युंडई, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, एकदम से कैसे यहां पे एक के बाद एक ट्वीट जो है वो करने लगे? उसका एक रीजन है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप कश्मीर के इतिहास को देखें, मैंने बहुत बहुत डीपली कश्मीर के इतिहास को पढ़ा है। अभी कश्मीर का मॉडर्न इतिहास दोस्तों बहुत ही कम पुराना, 90 साल का कुछ ज्यादा नहीं है। 1846 से लेकर पूरा 1947 तक तो डोगराओं के पास था। कश्मीर की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई है? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान अपने आप को तो डेवलप कभी कर नहीं सकता, कश्मीर को भी। वहां पे जितनी भी आतंकवाद है, जितनी भी अनस्टेबिलिटी है, सब पाकिस्तान की वजह से है। भारत के और राज्य सब बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता ही नहीं। वहां पे पाकिस्तान ने अपने कश्मीर में तो वो पूरा का पूरा जो पीओके वाला एरिया है ना, उसको तो आतंक में तब्दील कर दिया, सब ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं। ठीक है, तो अब
कश्मीर में चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, वहां पे लोग क्या चाहते हैं, हमको नौकरी मिले, वहां का युवा चाहता है कि हमको रोजगार मिले, अच्छे कॉलेजेस यहां पे एस्टैब्लिश हो, सब कुछ बढ़िया हो। तो अब धीमे धीमे कश्मीर पटरी पे आ रहा है और यकीन मानिए अगले 3-4-5 साल बाद दोस्तों कश्मीर में बहुत बढ़िया नॉर्मलसी, जैसे पंजाब है ना, पंजाब में भी एक समय पे इंसर्जेंसी बहुत थी लेकिन आज सब नॉर्मल है, ऐसे ही कश्मीर में होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो वो यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन के कंट्रोल में है और काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहां पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब पाकिस्तान को ये एक फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। पाकिस्तान पहले आतंकी भेजने की कोशिश करता, वहां पे मासूमों को मारता है और अब अगर उससे कुछ नहीं होता तो वहां पे देखिए, ये ह्युंडई मेन ह्युंडई नहीं है, ह्युंडई ने स्टेटमेंट जारी किया है, ह्युंडई ने बोला भैया देखो हमारी कंपनी पॉलिसी में ही है, नहीं है कि हम किसी के आंतरिक मामलों में पढ़े। आपको पता है ना कि भारत में सबसे बड़ा मार्केट कार का किसका है, मारुति, सबसे ज्यादा मारुति बिकती है, मारुति सुजुकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज्यादा, बहुत पुरानी है, उसके बाद ह्युंडई, सेकंड नंबर पे ह्युंडई, साउथ कोरियन कंपनी है ना, किया भी साउथ कोरियन, ह्युंडई साउथ कोरियन, तो ह्युंडई सबसे ज्यादा, ह्युंडई की क्रेटा में तो आज भी 2-3 महीनों की बुकिंग रहती है। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है ह्युंडई के लिए। तो ह्युंडई ने साफ साफ बोल दिया कि भैया देखो हम आंतरिक मामलों में नहीं पढ़ते हैं, ये ह्युंडई पाकिस्तान है, ये चीज आपने देखी, इस सबके आगे पाकिस्तान लगा है। ह्युंडई ने यहां पे किसी भी देश में जब वो जाता है तो वो एग्रीमेंट साइन करता है, एक पाकिस्तान का ग्रुप और एक हम, तो हमारी फ्रेंचाइजी या तुम ये ले लो। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि भैया ये पाकिस्तान है। और जहां तक केएफसी की बात करें तो केएफसी ने तो माफी मांग ली है, एच जयशंकर ने साफ शब्दों में बोला, कोरियन काउंटर पार्ट से बात की और साफ शब्दों में बोला कि भाई ये हम नहीं सहेंगे, ये बताओ, स्ट्रिक्ट रिएक्शन आया है, ये तुमने चलो ठीक है स्टेटमेंट जारी कर दिया, माफी मांगो, माफी मांगनी भी चाहिए, आप इतने गैर जिम्मेदार लोगों को कैसे ये दे सकते हो। तो सवरल पाकिस्तानी बिजनेसमैन या जो इनसे एफिलिएट्स हैं, इनके एफिलिएट हैं, एकदम से इसमें केएफसी, किया मोटर, पिज्जा हट, ओसाका बैटरीज, बॉश, ये देखिए सारे के सारे। अब ये देखिए ये पाकिस्तान में ना ये एफिलिएटेड हैं, जैसे इनकी किसी ने फ्रेंचाइजी ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उस लेवल पे ये सब चल रहे हैं। एक्चुअल में इन कंपनीज ने कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उन्होंने, तो भाई तुम ऐसे लोगों से क्यों ही डील करते हो जो तुम्हारी भी बेइज्जती कराएं। और दोस्तों ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, आप समझ रहे हो, मतलब अब समझिए कि ज्यादा से ज्यादातर ब्रांड्स ने स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं, इसमें पाकिस्तान की ही बेइज्जती हो रही है। ह्युंडई हो गया, केएफसी ने तो ऑफिशियली माफी मांग ली, ह्युंडई ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया हमने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है कि देखो यहां पे ब्रांड लगाने का कितना बड़ा हमको अंजाम भुगतना पड़ता है कि हम भाई बैठे हुए। मैंने मान लीजिए स्टडी ग्लोज पाकिस्तान में, एक बता रहा हूं पाकिस्तान में खोली, अब स्टडी ग्लोज मैंने किसी के साथ खोली, मिल गया किसी को, पार्टनर कर लिया, उस पार्टनर ने उल्टा सीधा ट्वीट कर दिया तो मैं तो अपनी हटा लूंगा, पूरी की पूरी कंपनी बंद कर दूंगा कि भैया यहां पे तो बहुत दिक्कत है। यही हो रहा है इस समय पाकिस्तान में। तो ये चीज है, बवाल पे बवाल। तो भारत ने साउथ कोरियन एम्बेसडर को समन किया कि भैया बताओ ये जो तुमने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे क्यों किया, बाय अ पाकिस्तानी पार्टनर, ह्युंडई का पाकिस्तानी पार्टनर है, ठीक है, ओवर डिस्प्यूटेड कश्मीर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, कल एस जयशंकर ने बहुत ही कड़ा बयान इसमें जारी किया है, साउथ कोरियन को एम्बेसडर को चेंग जा बॉक मंडे को बुलाया और बोला कि भाई ये जो तुमने बोला है, वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अनएक्सेप्टेबल सोशल मीडिया पोस्ट बाय ह्युंडई पाकिस्तान। तो ह्युंडई ने स्टेटमेंट जारी की, जारी वारी नहीं, चुपचाप माफी मांगो, ह्युंडई ऑर्डर्स भी कैंसल करेंगे। भाई दिमाग खराब हो गया ना, ट्विटर पे लोग एकदम गुस्सा गए, भारत इतना बड़ा मार्केट है ऐसी की तैसी कर देंगे, ह्युंडई क्या खरीदने की, भाई जब टाटा महिंद्रा इतनी बेहतरीन कार तुम्हारे सामने है, तुम लोगों को भी ह्युंडई खरीदनी है, ठीक है। तो ये ह्युंडई इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भाई देखो ह्युंडई मोटर जो है वो भारत के लिए कमिटेड है, पिछले 25 साल पे हम यहां पे काम कर रहे हैं और वी स्टैंड फॉर्मली फॉर स्ट्रॉन्ग एथोस, हमारी कंपनी में ये नहीं है कि किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है ह्युंडई मोटर इंडिया, ये भाई हमारी नहीं है, ये हमारे जो पाकिस्तानी पार्टनर हैं उसने की है, भारत सेकेंड होम है
टू द हुंडई ब्रांड और वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इनसेंसिटिव कम्युनिकेशन. जीरो टॉलरेंस, हम टॉलरेट नहीं करेंगे. यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान को इशारा कर दिया जो इनके पार्टनर है कि भाई देख लो तुम अपना हिसाब किताब. एज पार्ट ऑफ आर कमिटमेंट टू इंडिया वी विल कंटिन्यू आर एफर्ट्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द सिटीजंस. तो ये इन्होंने जो है वो स्टेटमेंट जारी किया. और उसके बाद एच जयशंकर ने साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्टर चुंग यू योंग को बुलाया और इनसे बात भी की और बोला कि भाई देखो इस पे क्लियर करो, ये जो तुम्हारा स्टैंड है ना इस पे क्लियर करो. एच जयशंकर ने एग्नोलेज किया कॉल फ्रॉम हिज साउथ कोरियन काउंटर पार्ट इन अ ट्वीट. दे हैड डिस्कस्ड बाइलेटरल मल्टीलेटरल इशू एज द ह्युंडई मैटर. हमने बाइलेटरल मल्टीलेटरल ह्युंडई मैटर ये सब डिस्कस किया है. इंडियन एम्बेसडर ने भी ह्युंडई हेडक्वार्टर को कॉन्टैक्ट किया और एक्सप्लेनेशन मांगा कि क्यों किया. स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो इशूड बाई ह्युंडई, ये तो खैर जो अभी मैंने आपको बताया. लेकिन भारत वेलकम्स इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स की या इन्वेस्ट कर रही है तो वी वेलकम दैट. अब सच कंपनीज या इनके जो एफिलिएट्स हैं इस तरीके के कमेंट करेंगे तब तो ये चलेगा नहीं. सो दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग कमेंट्स ऑन द मैटर ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. आप समझ रहे हो, तो केएफसी ने इसीलिए माफी मांगी, डोमिनोज इन सबका भी स्टेटमेंट आ रहा है. तो वही चीज है ना कि भारत कश्मीर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है. कल डिलिमिटेशन वाला मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है, कि सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो ये किसी को रास नहीं आ रहा है. फिलहाल आप देखते रहिए, इसमें पाकिस्तान की ही सबसे बड़ी बेइज्जती है, सबसे बड़ी. बिना सोचे समझे ये जो ट्वीट किया है ना इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा. इनफैक्ट भारत का, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, आजकल गली गली में आपको डोमिनोज दिखेगा, केएफसी दिखेगा, कहीं इन पे एक्शन हो गया क्योंकि भारत में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सब बंद हो जाएंगे. देखेंगे, फिलहाल ऐसे तो जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए. खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ.